जय हो कालचिनी देवता। सभी भाइयों पे कालचिनी देवता की कृपा बनी रहे। दोस्तों, ये हमारे गांव ढुंगावतोली में जो पेड़ 150-200 साल पुराना है और बहुत बड़ा और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये, और इसके नीचे ये कालचिनी देवता का मंदिर और ये कुदरत की हरी भरी वादियों के बीच बसा हुआ ये गांव ढुंगावतोली। दूर दूर पहाड़ और चीड़ के जंगल, और दोस्तों ये ऊपर दो पातल चुनरा गांव हमारे पास में बसा हुआ बिन्ने गांव, और दोस्तों दूर बलवाकोट पिथौरा बलवाकोट धारचूला, बहुत दूर दूर के पहाड़ दिख रहे हैं। और सामने नेपाल, बीच में काली नदी, दोनों देशों के बीच बॉर्डर का काम करती है। उस पार नेपाल है दोस्तों, इस पार इंडिया। और ये गेहूँ कट के खेत खाली हो रखे हैं, बकरियाँ चरने आ रखी हैं। मैं भी बकरी चराने आ रखा हूँ। ये मेरी बकरियाँ, उधर गांव के सज्जन व्यक्ति हैं नैंदा, उनकी बकरियाँ आ रखी हैं। ये हमारी कोंजिया, जो घास लेने आ रखे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, फिर भी गांव का रिवाज है, पशु तो रखते ही रखते हैं। और ये देखो दोस्तों, कितनी अच्छी लग रही बकरियां। ये नहर दोस्तों, सिंचाई होती है इन खेतों में, क्यारी नुमा ये खेत इनमें रोपाई होती है जब इस नहर से पानी आता है। ये हमारी कौंजिया, इतने बुजुर्ग गए हैं, इनके दो दो बेटे फौजी है, हस्बैंड भी फौजी थे, और फिर भी ये खेतों में देखो दोस्तों डोका लेके घास लेने। कौंजिया घर क्यों नहीं बैठे? अरे अरे बेटा, घर में बैठ के क्या होगा, पाँव सुस्त हो जाएगा, तब चलूंगी फिरूंगी, घास काटूंगी, खेती बाड़ी बनाऊंगी, तब तो मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा ना। बहुत अच्छी बात हाँ, दोस्तों। बैठ के क्या होगा, हाथ ये पाँव तो खत्म हो जाएंगे मेरा, जब कम से चलूंगी फिरूंगी, घास काटूंगी, गाय पाली पाली है, दो गाय है। हाँ, अगले साल तक तो चार बकरी भी थी, अब बकरी चराने के लिए तो हाथ पाँव कमजोर हो गया। हाँ थोड़ा सुना दोस्तों आपने, ये हमारे गांव के बुजुर्ग है जिनकी उम्र 70 साल के करीब है, घास उनकी काटूंगी तो अपना सोच कैसी है शरीर, कि हाँ चलने फिरने से स्वस्थ रहते हैं, हाँ और जो शरीर आजकल की बेटी बुआरियां सुस्त पड़े हुए हैं वो ये वीडियो देख के इनसे थोड़ा प्रेरणा ले सकते हैं कि शरीर चलाने से स्वस्थ रहते हैं। और इनके चेहरे की चमक देख के आप बता सकते हैं, आजकल के जवान लोगों को भी चेहरे पे ये चमक नहीं रहती है। बुजुर्ग लोग हैं जो स्वस्थ रहते हाँ हैं पहाड़ों में, ये खूबसूरत पहाड़ जहाँ ये रोज़ाना चढ़ते उतरते हैं, 10-15 किलोमीटर तो रोज़ाना सिंपली चढ़ते हैं। और एक गांव के और भी बच्चे आ रखे हैं आज बकरी चराने। और दोस्तों ये बकरियां, यह दोस्तों काली नदी जो मैं आपको नज़दीक से दिखाने के लिए नीचे आया, और ये उस पार नेपाल है, बीच में बॉर्डर का काम कर रही है। और ये काला पानी नाम की जगह से हिमालय के वहाँ से निकलती है, और ये नीचे टनकपुर जाके आगे जाके नहरों में डिवाइड हो जाती है। और ये उस पार नेपाल की रोड जा रही है, वो काठमांडू जाती है, इधर से दिल्ली के लिए इंडिया। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना। ये दोस्तों चारों तरफ का नज़ारा, दोस्तों जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।